क्या लिखा? राम चरित मानस, मतलब ये है कि उनके चरित्र यहाँ आ जाए। मतलब चरित्र का मतलब ये है कि चरित्र, राम का चरित्र, रामायण का चरित्र यहाँ आ जाए, तब तो रामायण सफल है। अच्छा, रामायण जो है अनुकरण करने वाला ग्रंथ है, वह भागवत अनुकरण करने वाला ग्रंथ नहीं है। हमने ये समझा है, अब आपकी समझ जैसा हो। भाई भागवत है, रामायण में तो अनुकरण करे तब बहुत सागर पार होता है। राम के कैसे इतिहास थे, सीता पत्नी के प्रति, भाई के प्रति और पिता के प्रति, समाज के प्रति, शत्रु के प्रति, मित्र के प्रति, क्या चरित्र राम ने दर्शाए वो आप जीवन में उतारो, रामायण सफल है। लेकिन भागवत को आप जीवन में नहीं उतार सकते, इसके श्रवण मात्र से ही कल्याण है। रामायण के सुनने से कल्याण है, रामायण के करने से कल्याण है, और भागवत के श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण है। अब बताओ, उनने 5 महीने 5 साल में कलिया नांग नाथा था। अब तुम 50 साल के हो गए, पन यही पकड़ के दिखा दे जब हम जाने। उनने 7 साल में गोवर्धन उठाया, तुम 70 के हो गए, 10 ही 5 ही उठा दी जो हम जाने। उनकी 16,108 पटरानियां थी, हम तुम एक ही पटरानी में जिला छोड़े फिरत थे। आज जो नहीं है, रोज देखा तुम बाजार में डब्बा खड़खड़ा थे। परेशान है आदमी, एक ही से जीवन पूरो नहीं हो रो। अब बताओ, उनकी 16,000 पटरानियां थी, 108। तो हम भागवत का श्रवण तो कर सकते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं कर सकते। रामायण का तो कर सकते हैं, लेकिन भागवत का तो, स्वामी जी ने लिखा है, रामायण की कथा अनुकरण करने से ही जीव का कल्याण होता है, लेकिन भागवत कथा मात्र श्रवण से ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो कल्याण श्रवण से है। 3 चीजें हैं, आप समझते हैं उसको। श्रवण और मनन और निध्यासन। क्या है? श्रवण, मनन और निध्यासन। अच्छा, जैसे गाय चर के आती है, तो ये चरना क्या है? हम तुम्हें उदाहरण दे दें हल्का सा। गाय चरती है ना, जो घास आस भूसा, घास चरने जाते हैं जानवर, तो जब गाय चरती है तो उसको श्रवण कहो, चरना माने श्रवण। अच्छा, फिर मनन क्या है? पागुर लेती है, और पागुर ना करे तो बीमार पड़ जाए। जानवर पागुर ना करे, चर के आवे गाय, तो चरना है श्रवण और पागुर है मनन। फिर पागुर करने से क्या होता है? उसे तृप्ति होती है, तो वह है निध्यासन। ऐसी मनुष्य को चाहिए, हम आपको चाहिए कि पहले तो कथा को श्रवण करें, तो ये चरना है श्रवण, श्रवण चरना है। अब पंडित जी ने क्या कहा था, घर में जाके मनन करें, तो वो क्या है? वो पागुर है। अब पागुर नहीं करोगे तो बीमार नहीं, हजम नहीं हो ये कथा, या कथा ही हजम ना हो तुम्हें, तो पागुर क्या है? मनन। पागुर करने से तृप्ति होती है, और मनन करने से यदि तुम कथा का मनन करोगे श्रवण के बाद, तो एक बोध रूपी तृप्ति होगी। का रूपी तृप्ति? बोध। तो भैया, बोध होगा मनन करने से, बोध पैदा होगा, तो ये श्रवण चरना है, और मनन पागुर है, और निध्यासन जीवन में उतारना है या बोध होना है। ज्ञान भी 4 प्रकार के होते हैं। अब कान में ना सुना है तो कछु ना हो। अब जिनके कंडेंशन खराब है जिजमान, अब उन्हें का कथा सुनाई दे? अब बताओ तुम, तो ज्ञान ज्ञाना ज्ञान से यहाँ कल्याण होत की कान से? बताओ, हम तो ये कह रहे हैं आपसे। तो सुनिए,
ज्ञान का हेतु श्रवण है सबसे पहले, यहां आवाज आती है फिर यहां उतरती है। तो श्रवण कानों से होता है, श्रवण ज्ञान है एक, दूसरा मनन ज्ञान है, बैठ जाइए बिटिया, दूसरा मनन ज्ञान है, मनन ये भी ज्ञान है। ज्ञान ही के सहारे कर रहे हो कि नहीं, जैसे तुम श्रवण हो रहे हो आज, श्रवण कर रहे हो तो ज्ञान ही के सहारे श्रवण हो रहा है ना, और इसके बाद मनन करोगे तो ये मनन ज्ञान है, और फिर जीवन में उतारोगे तो निध्यासन ज्ञान है। तीन प्रकार के ज्ञान हो गए, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान और निध्यासन ज्ञान, और चौथा शंकर जी बोलते हैं, चौथा शंकर जी बता रहे हैं, चौथा ज्ञान है कौन, ओ मां कहो में अनुभव अपना, अनुभव पीना सत्य हरि भजने जगत सब सपना, सत्य हरि भजने जगत सब सब। ये चौथा ज्ञान है, चौथा ज्ञान कौन है, अनुभव ज्ञान, उमा कहो में अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। तुमने शीशे को देखा है, शीशे को एक जगह स्वामी जी लिखते हैं कि जिस तरह शुद्ध दर्पण में तू और तेरी छाया है, शीशे को लो आप, अभी सुबह उठते हैं तो मुंह नहीं देखते, तो बताओ मुंह यहां दिखा रही कि तुम्हारी छाया तुम्हें को दिखाई दे रही, जिस तरह शुद्ध दर्पण में और तू और तेरी छाया है उसी तरह भाई मन दर्पण में मैं और मेरी माया है। अच्छा एक बात बताओ, शीशे को आप शीशा तो रखा रहे लेकिन आप ऐसे मुंह कर लो, अब क्या हो गया, अथवा मुख को मुख मोड़ लिया तो नहीं मुकुर नहीं छाया है। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे शीशा भले ही रखा रहे लेकिन हमने आंख बंद कर लिया, अब ना छाया है ना शीशा है कि शीशा रखा है सामने हमने आंख बंद कर ली, अथवा लोचन ही बंद किया तो नहीं मुकुर नहीं छाया है, और निज स्वरूप में शयन किया तो नहीं चित्त नहीं माया। जब पुरुष समाधि में हो जाता है नेत्र बंद कर लेता है तो न मुकुर है न माया कुछ नहीं, निज स्वरूप में शयन किया, तो ये माया यो छाया ये किसे दिखता है, दृष्टा की दृष्टि में, और दिखती छाया माया है, दृष्टा की दृष्टि में, यह दृष्टि से यह सृष्टि आए मूंदो नयन तो कतम को नहीं, तो दृष्टा की दृष्टि में और दिखती छाया माया है। भैया दृष्टा की हैसियत से दृश्य बना, एक बात हम कहते हैं हम देखने वाले हैं, कोई कहता हम जानने वाले हैं, ये वृत्ति ज्ञान है। जैसे तुम देखने वाले हो तो ठीक है भाई, तो दृश्य को देखने वाले हो, और दृश्य तो नाशी है, दृश्य झूठा है तो देखने वाला भी, भाई तुम कहते हो हम देखने वाले हैं, कोई दिव्य चक्षु तो है नहीं, हमारे चर्म चक्षु है, तो जब ये भी झूठा है एक दिन ये नाश हो जाएगा तो देखने वाला बचेगा वो भी नाश हो जाएगा। साक्षी की अपेक्षा साक्षी है, दृष्टा की अपेक्षा दृश्य है। स्वामी जी ने लिखा है जया पिंड ब्रह्मांड नहीं, नहीं एक त्या दो ए,
और दृष्टा दृश्य में नहीं स्वयं प्रकाश सत हो। बोलो वृंदावन में हरिलाल। अरे वाह नन्ना जी आइए आइए, चलो बहुत दूर से आते हो, फूल लाए हो, भगवान को पुष्पम पत्रम फलम तोयम। अरे ठीक है, कुछ भी प्रेम से फूल ही चढ़ा दो, जल ही चढ़ा दो, रुपया की जरूरत नहीं है। गीता में रुपया नहीं लिखा, हाँ वो तुम्हारी जरूरत है तो ठीक है। हाँ चलो ठीक भाई, हमारे पास जो चढ़ाने का मतलब ये होता, आदमी रुपया क्यों चढ़ाता, कि भगवान हम तुम्हें इतना चाहत कि हमारे पास प्रिय सी भी प्रिय वस्तु जो कछु है सो हम तुम्हें देत। और संसार में सबसे ज्यादा प्रिय का है आदमी का रुपया, प्यारी वस्तु दान करत, ये मतलब है चढ़ाने का। नहीं तो शास्त्र में कहीं भी दक्षिणा शब्द नहीं आया है, रुपया चढ़ाने के लिए लिखा ही नहीं है। भगवत गीता जो कृष्ण ने सुनाई थी अर्जुन को, तो उसमें भी लिखा है पुष्पम पत्रम फलम तोयम, चार चीजें भगवान को चढ़ाई जाती हैं, पांचवी नहीं। श्रद्धा हो और भाव हो तो पहले नंबर का है पुष्पम। नन्ना जो आपने फूल चढ़ाया ये पहले नंबर का है, भगवान को पुष्प बहुत प्यारा है। और पुष्प ना चढ़ा सको तो पत्ती चढ़ा दे फूल की, दूसरी पुष्पम पत्रम, और तीसरी यदि पत्तू नहीं मिला तो कोई फल चढ़ा दो। अब फलऊ नहीं आ तो यम जलई डार दे। लेकिन प्रेम और श्रद्धा से यदि चार में से कोई चीज भक्त मुझे चढ़ाता है तो मैं सगुण रूप होकर के उसकी वस्तु को प्राप्त करता हूं और उसे मनोवांछित वरदान देता हूं। कल्याण हो आपका, आपने पुष्प चढ़ाए जैसी फूल की खुशबू है भगवान, ऐसी तुम्हारे जीवन में सुगंध बनी रहे। बोलो यज्ञ भगवान की जय। मठ साहब बैठिए आइए बैठिए, थोड़ी देर में जाइए। दर्शन हो जाते जब गांव में बहुत सोहे तो आ गए, हमारे माठ साहब बहुत स्नेही है। बोलो यज्ञ भगवान वृंदावन में हरिलाल की जय। प्रधान जी, प्रधान जी जय भोले बाबा की, आइए फिर बैठिए, पहले आइए। अरे हमारे भाई देखो बहुत ही पुराने, क्या कहते हैं सुदामा जी के पुराने थे कृष्ण, हम आए तो द्वारका। ठीक है नन्ना जी बैठ जाइए।